स्लोगन भैया लोगों को रट चुके हैं वो लोग कि रिसेंट ईयर कार चाहिए तो वीआईपी मोटर्स, रिसेंट ईयर चाहिए या फिर कम चली हुई गाड़ियां चाहिए विद सर्विस रिकॉर्ड, मात्र 3000 चली हुई, 3000 जी मात्र 3000 चली हुई सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड के साथ मैं खुद प्रोवाइड करूँ। ये है इसका स्टेपनी, अगेन आपको देख के पता चल रहा है अनयूज्ड, बिल्कुल अनयूज्ड है। 2021 की बलेनो 8000 चली हुई। अच्छा अगली गाड़ी कौन सी दिखाना चाहेंगे? अगली गाड़ी पे जाने से पहले जैसे हम लोग ने बोला कि 8000 चली हुई है उसकी सबूत दिखाना भी जरूरी है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, इसके लिए भाई अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये इसका स्टेपनी है विच इज इन अनयूज्ड कंडीशन। भैया बड़ी कार की बात कर रहे हैं, दो दो अपने पास शेर है, दो दो अपने पास शेर है, बिहार की शान है। हाँ जी तो आज हम लोग पहले आ जाते हैं 2018 की S2 पर। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल और रोमिंग बर्ड फेसबुक पेज भी, अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूँगा। अब भाई आज मेरे चेहरे पे थोड़ी सी आपको स्माइल दिख रही होगी क्योंकि आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ रीसेंट ईयर कार की वीडियो। भाई आप लोग खूब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अब भाई पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ थोड़ी सी आप लोग ना पसंद की ओर लेकर जाते हैं, आपको पसंद आती है कि भैया लेटेस्ट शेप की गाड़ियाँ दिखा दे, लेटेस्ट ईयर की गाड़ी दिखा दे, लेटेस्ट मॉडल गाड़ी दिखा दे। तो आज जो हमारी कोशिश है भाई उसी की ओर रहेगी, जितनी भी गाड़ियाँ होंगी भाई अपन 21 मॉडल, 20 मॉडल, 19 मॉडल, 18 मॉडल के बीच में ही घूमेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस डीलरशिप की स्लोगन ही यही है कि अपन दिखाएंगे ऊंचे मॉडल की कार। मैं बात कर रहा हूं वीआईपी मोटर्स की, जहां पे आपको 2021, 22, 20, 19, 18 यही सब मॉडल की गाड़ियां ज्यादा देखने को मिलती है। कौन कौन सी गाड़ियां हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बलेनो है, बलेनो इनके पास आज की इस वीडियो के लिए दो है, पेट्रोल भी है डीजल भी है, उस पर हम लोग आएंगे। ग्रैंड आइटन नियोस है, i20 है, वैगन आर न्यू शेप आपको वहां दिख रहा होगा, सफारी स्ट्रॉम, और साथ ही साथ अगर आप यहां देखेंगे दो दो आपको देखने को मिलता है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, ऑल्टो K10 और तमाम जितनी भी गाड़ियां आप सोचते हैं वो सारी गाड़ियां इनके यार्ड में आपको दिख रही होगी। तो इन सब गाड़ियों के बारे में हम लोग आज अच्छे से बात करेंगे वीआईपी मोटर्स जो कि पटना में आपको, अभी ये हमारी तीसरी या चौथी वीडियो है, बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस देते हैं तो वहीं की वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिनांस हो जाएगा, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, पेपर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, ये सब कुछ भाई आपको ऑन रिटेन लिखी रहती है जब आप कार को खरीदते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं यहाँ से जाहिद भाई से और फिर एक एक करके उनसे लेते हैं सारी गाड़ी की डिटेल। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट, मिलवाते हैं सबसे पहले वीआईपी मोटर्स से जाहिद भाई से। जाहिद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और पूरे रोमिंग बर्ड परिवार का हमारे वीआईपी मोटर्स में एक बार फिर से स्वागत है। फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्लोगन भैया लोगों को रट चुके हैं वो लोग कि रिसेंट ईयर कार चाहिए तो वीआईपी मोटर्स, रिसेंट ईयर चाहिए या फिर कम चली हुई गाड़ियां चाहिए विद सर्विस रिकॉर्ड, उसके लिए आपको वीआईपी मोटर्स आ जाना, बस उसके लिए आपको वीआईपी मोटर्स आ जाना है। आज क्या इंतजाम है अपने पास थोड़ा सा बता दें मोटा मोटा। जैसा हम लोग का क्राइटेरिया है कि अपर मॉडल है 21, 20, 19, कम चली हुई गाड़ियाँ 3000 चली हुई गाड़ियाँ, 8000 चली हुई गाड़ियाँ, ये इतनी कम चली हुई गाड़ियाँ, स्टेपनी अनयूज्ड गाड़ियाँ जो कि अपना क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया पे हमने फिर आज एक गाड़ी लाई है। बिल्कुल भाई उसी क्राइटेरिया पे उसी स्लोगन के हिसाब से गाड़ियाँ आज भी लेकर आई गई है भाई। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऊपर मॉडल से स्टार्ट करेंगे एकदम, और ऊपर मॉडल की हम लोग बात करें तो अपने पास है बलेनो। डिटेल क्या है जाहिद भाई, डिटेल दीजिए थोड़ा। बलेनो हमारे पास आ चुकी है जो कि है 2021 की, 21 की है जी, 2021 की बलेनो है, डेल्टा पेट्रोल वेरिएंट, ठीक है। ये चल चुकी है आप लोगों के लिए, 8000 चली हुई है, मात्र 8000 चली हुई है, मात्र 8000 चली हुई, बहुत बढ़िया। ओनरशिप तो फर्स्ट ही, फर्स्ट ओनरशिप भाई, फर्स्ट ओनरशिप पे है बलेनो डेल्टा देख रहे हैं विच इज पेट्रोल वन, और मात्र 8000 चली हुई है। तो अगर आपने थंबनेल पे देखा था ना कि 8000 चली हुई गाड़ी दिखाएंगे तो देख लीजिए पहली गाड़ी 8000 चली हुई है। आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल आपके सामने है, साइड मिरर पे ही आपको इंडिकेटर मिल जाता है। टायर की कंडीशन की बात करें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ ही साथ अगर इसके इंटीरियर पे हम लोग नज़र डालें ना तो ये है इसका इंटीरियर, चारों पावर विंडो आपको देखने को मिल जाता है, दो दो एयर बैग के साथ में आती है, म्यूजिक सिस्टम आपको बीच में मिलता है। सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं जो कि आपको वेल एंड गुड ही दिखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सीट के लीवर पे पन्नी भी दिख रही होगी। इंटीरियर हमने आपको दिखा दिया है, बाहर से भी कहीं ना कहीं आपको गाड़ी का वॉक अराउंड करा दिया है। लेट ना करते हुए मुद्दे पे हम लोग आएंगे, जानेंगे जाहिद भाई से, जाहिद भाई वीआईपी मोटर्स में क्या प्राइस रखा गया है इसका?
2021 की बलेनो 8000 चली हुई। अच्छा 7,10,000 दीजिए ले जाए। क्या बात है यार, तो 8000 चली हुई बलेनो नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन आपको मिलती है 7,21,000 में। 7,10,000 माफ कीजिएगा, 7,10,000 में आपको मिल जाएगा। कंडीशन आपको हमने दिखा दिया है, अपना लोकल पटना का ही नंबर है। जिन भी भाइयों को खरीदना होगा, नंबर दिया होगा वीआईपी मोटर्स का कॉर्नर में कहीं एक साइड पे, आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 7-10 बोला तो 7-10 दे दीजिए और ले जाइए, फाइनेंस फैसिलिटी है। अच्छा 2.5 लाख दीजिए, बाकी मैं फाइनेंस करवा दूँगा। क्या बात है, तो भाई उतने इकट्ठे उतने पैसे नहीं है ना 7,10,000, तो फाइनेंस भी करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, आएंगे मान सम्मान भी थोड़ा बहुत कम कर देंगे। आपके चैनल के थ्रू आएंगे, बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, चैनल का रेफरेंस देकर आएंगे, जरूर से कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा। अगली गाड़ी कौन सी दिखाना चाहेंगे? अगली गाड़ी पे जाने से पहले, जैसे हम लोग ने बोला कि 8000 चली हुई है, उसकी सबूत दिखाना भी जरूरी है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, उसके लिए हम लोग आप उसका आप देख लीजिएगा भाई, अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इसका स्टेपनी है विच इज इन अनयूज्ड कंडीशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनयूज्ड कंडीशन में स्टेपनी आज भी धरी हुई है भाई पीछे बूट में। तो पहली गाड़ी में ही बता दी गई है कि आपको अगर चाहिए कम चली हुई गाड़ी, रिसेंट ईयर्स की कार, आराम से आपने आना है वीआईपी मोटर्स। जाहिद भाई पहली गाड़ी दिखा दी विद प्रूफ, दिखाइए अगली गाड़ी कौन सी होगी। अगली गाड़ी होने वाली हम लोगों की 2020 की, अच्छा जो है हुंडई की सेंट्रो। ठीक है, डिटेल क्या होगा पूरा हमें बताएं। ये होने वाली है 2020 की पेट्रोल वेरिएंट। ठीक है, और ये चल चुकी है आपको 25,000। ये 25,000 चली हुई है, 20 की मॉडल है। जी 20 की मॉडल है। ठीक है, बेगूसराय नंबर अभी जी, बेगूसराय नंबर, बेगूसराय नंबर है, और ये किलोमीटर आपका 25,000 चली हुई है। थोड़ा सा गौर देंगे आप लोग, 21 मॉडल 8,000 चली हुई थी भैया ने बताया, 20 मॉडल 25,000 चली हुई है, तो चली हुई है। क्या बात है भाई, तो जो कुछ भी है आपको एग्जैक्ट बताएंगे, अच्छी गाड़ियां देंगे। कंडीशन आपने देख लिया है बाहर से, आप सोचते होंगे भैया थोड़ा सा टायर वगैरह की कंडीशन दिखा दे, आप टायर की भी कंडीशन देख लो भाई, साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए, सारे एसेसरीज जो होते हैं वो आपको इसमें लगे हुए मिलेंगे। जैसे कि रूफ रेल तक की बात भी हम लोग करें, इंटीरियर अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। तो ये है इसका इंटीरियर, जैसा कि आप देख रहे हैं म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच कहीं ना कहीं आपको बीच में ही देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे आप सीट वगैरह की कंडीशन देख सकते हैं। तो ये भाई आपको हुंडई की जो सेंट्रो है, ये है 2020 मॉडल, 25,000 किलोमीटर चली हुई पेट्रोल में। पेट्रोल में माइलेज क्या होगा अप्रॉक्स में इसका? इसका माइलेज अप्रॉक्स में आपको 18 प्लस का माइलेज मिलेगा। छोटी सी कार है, फैमिली आपकी छोटी है, आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने का जो रकम है वो थोड़ा सा जाहिद भाई बताएंगे। जाहिद भाई क्या प्राइस रखा आपने? 2020 की सेंट्रो 25,000 चली हुई, 4,65,000 दीजिए और ले जाइए। 4,65,000 दे दिए और ले जाइए, उतने भी नहीं है, लोन करा लीजिए, लोन भी करवा देंगे, लोन भी करा लीजिए। ये तो मुझे लगता है भैया 1,50,000 रुपए डाउन पेमेंट, 1,75,000 दीजिएगा, बाकी फाइनेंस 1,50,000 से 1,75,000 के आसपास भैया को दीजिए, गाड़ी आप लोन करा लीजिए, बाकी रेट भैया ने बता दिया। जिन भी भाइयों को लेना होगा नंबर दे दिया है हमने वीआईपी मोटर्स का, आप कॉन्टेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। अगली कार कौन सी होगी अपनी? अगली गाड़ी भी हम लोगों की हुंडई की होने वाली। चलिए तो अगली गाड़ी भी जो आपको दिखाएंगे हुंडई की दिखाएंगे, और हुंडई की बहुत ही शानदार गाड़ी है। आपको मैं दिखा दूं अगर, ग्रैंड आइटन न्यूआस है भैया? जी ग्रैंड आइटन न्यूआस है, और सबसे टॉप मॉडल एस्टा, सबसे टॉप एस्टा विद ड्यूअल टोन एलॉय। पूरी डिटेल हमें थोड़ा सा बता दे, फिर गाड़ी दिखाएंगे अपन। गाड़ी होने वाली है 2019 की। ठीक है, जो कि 15,000 चल चुकी है विद सर्विस रिकॉर्ड 15,000 चली हुई 19 मॉडल, और ये सबसे टॉप मॉडल है। सारी फीचर्स यहाँ तक कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, तमाम जितने भी फीचर आप चाहते हैं ना भाई। छोटी गाड़ियों में हुंडई इतनी फीचर डाल रही है कि लोगों को कमी नहीं खलेगी भाई। अगर लग्जरी कार वो ना ले सकते हैं तो ये गाड़ी भी आप लेंगे ना, आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसा कहने का नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा पूरा। पहले आप देख ले भाई, एलॉय व्हील मिलता है ड्यूअल टोन में, काफी अलग अलग नाम है लेकिन ड्यूअल टोन आप देख पा रहे होंगे, सिल्वर एंड ब्लैक में। साइड मिरर पे आपको एलईडी डीआरएल में मिल जाते हैं, आपको टर्न इंडिकेटर। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको दिखा दूं, वो जो वहां पे आप देख रहे हैं ना एरिया गियर बॉक्स के आगे, वो है भाई वायरलेस चार्जिंग के लिए। 15,800 किलोमीटर चली हुई है जैसा आप देख पा रहे होंगे अभी, और साथ ही साथ अगर बात करें म्यूजिक सिस्टम की, टच स्क्रीन आती है भाई, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है। सीट की कंडीशन की अगर बात करें भाई, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो अंदर से हमने गाड़ी को आपको दिखा दिया है, बढ़िया गाड़ी है भाई, ऊंचा मॉडल है, 2019 का मॉडल है। आते अब हम लोग मुद्दे पे कि कितने रुपए की मिलेगी। अच्छा सबसे टॉप मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल है, प्राइस, हाँ जी प्राइस बताए थोड़ा। इसका प्राइस होने वाला है आप लोगों के लिए 595, 5,95,000, 5,95,000 के खरीद सकते हैं। ऊंची मॉडल ग्रैंड आइटन नियोस है, जिन भी भाइयों को चाहिए नंबर दे दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार कौन सी होगी अपने पास? नेक्स्ट कार चलने से पहले इसका भी हम लोग स्टेपनी, अच्छा इसका भी देखें, 15,000 चली हुई है तो स्टेपनी दिखाना बनता है। सही बात है, चलिए तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग स्टेपनी का क्या कंडीशन है।
तो आप ये बैक प्रोफाइल आप तब तक देखिए जब तक स्टेपनी, हाँ जी अब आप देख लीजिए, तो ये है इसका स्टेपनी, अगेन आपको देख के पता चल रहा है बिल्कुल अनयूज्ड है, ठीक है। तो 15,000 चली हुई, हमने आपको ग्रैंड आई-10 नियोस भी दिखा दी है जो कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। नंबर का जिक्र नहीं किया था, BR06 मुजफ्फरपुर का नंबर है। भैया तीन गाड़ियां हमने दिखा दी है, अगली गाड़ी होने वाली है 19 की वैगनआर। अच्छा 19 की वैगनआर, न्यू शेप, ये भी न्यू शेप है जी। जैसा आपने ग्रैंड आई-10 नियोस देखा था भाई, अब इसको आप देखिए, ये भी न्यू शेप वाली आपको वैगनआर हम लोग दिखा रहे हैं। सिल्वर कलर की है, पूरी डिटेल हम लोग लेते हैं उसके बाद गाड़ी का वॉक अराउंड मैं कराऊंगा। बिहार शरीफ नंबर 2019 की लेटेस्ट वेरिएंट जो वैगन आर चल रही है अभी मार्केट में। हाँ जी, इसका किलोमीटर है आप गेस नहीं कर सकते, मात्र 3,000 चली हुई। 3,000 जी, मात्र 3,000 चली हुई। सर्विस रिकॉर्ड के साथ मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। चलिए भाई, सर्विस रिकॉर्ड खुद प्रोवाइड कर देंगे। जिनको कम चली हुई वैगन आर चाहिए ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 3,000 चली हुई दिखा रहा हूँ भाई आज के इस वीडियो में। भाई जिनको चाहिए वो नंबर दे दिया है, आप बात कर लीजिएगा, बाकी भी डिटेल हम लोग ले सकते हैं। ऑनरशिप फर्स्ट ही ओनरशिप, पेट्रोल में ही आती है वैगनआर, तो वो कोई जिक्र का बात ही नहीं है। तो आप अब गाड़ी को देखिए आराम से, रुक के थोड़ा सा देखिए भाई, BR21 अपना बिहार शरीफ नंबर वैगनआर है। किलोमीटर बोलते हुए भी अच्छा लग रहा है भाई, आपको चेक कराना होगा, आप करा लीजिएगा। 3,000 चली हुई है जैसा कि डीलरशिप यहाँ पे क्लेम कर रही है। इंटीरियर की अगर हम लोग करें बात, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। तो दिस इज द इंटीरियर ऑफ 2019 मॉडल वैगनआर न्यू सेफ विच इज डन ओनली 3,000 किलोमीटर। और भाई आप इसका पूरा आप इंटीरियर का लुफ्ट उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं एयर बैग भी आपको मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड है, डोर पैनल मैंने आपको दिखा दी है। तो ये है 2019 की 3,000 चली हुई वैगनआर। आइए जानते हैं कि 3,000 चली हुई गाड़ी, अच्छा नए कितने की आती होगी अप्रॉक्स में, मैं इसका जानना चाहूँगा फिगर। नए की कीमत 8-8.5 के आसपास तो आती ही होगी उतने के आसपास में। 3,000 चली हुई है, कह सकते हैं अभी ठीक से अपनी जो मेन सर्विस होती है 10,000 वाली वो भी नहीं हुई है। कितने की दे देंगे आप? ये गाड़ी आप लोगों के लिए है 5,15,000। 5,15,000 की आप खरीद सकते हैं मात्र और मात्र 3,000 चली हुई वैगनआर। जो भी भाई खरीदना चाहते थे ना नई वैगनआर, देख लीजिए 3-3.5 लाख रुपए तक की बचत हो जाएगी, और गाड़ी आज भी ठहरी है एकदम ही ब्रांड न्यू कंडीशन। भैया नई वाली वैगनआर दिखा दिया हमने ग्रैंड आई-10 भी दिखा दी। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं अपन? नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं हुंडई की i20। चलिए हुंडई की i20 भी दिखाते हैं। इलीट है ये? जी इलीट है। हाँ जी मेरी फेवरेट है भाई, एक्टिव और इलीट में इलीट मेरी फेवरेट है, अच्छी दिखती है। भैया डिटेल क्या है? ये गाड़ी होने वाली है आप लोगों की 2018। अच्छा 2018 31,000 चली हुई है। 31,000 चली हुई 2018 मॉडल। ओनरशिप क्या होगी? फर्स्ट ओनरशिप डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल। पेट्रोल में आप देख रहे हैं हुंडई की i20 इलीट। इलीट कौन सी है भैया ये बीच में? इलीट एस्टा है। एस्टा है ये जी। चलिए तो इलीट की एस्टा है, सबसे टॉप ऑफ द लाइन आप देख रहे हैं। BR01 अपना लोकल बिहार की राजधानी पटना का नंबर है। फॉग लैंप, हेडलैम्प सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये भाई टॉप मॉडल है तो ये सारी मिलती हैं आपको। यहाँ पे एलॉय व्हील मिल जाता है, साइड मिरर पे टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको, जो कि एलईडी DRL में ही आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अंदर से कैसे दिख रही है गाड़ी। तो भाई ये i20 इलीट एस्टा है, तो इसमें आपको आप देखिए एक बार, इसका केबिन बिल्कुल ही अलग है। आप डैशबोर्ड भी देखेंगे, बीच में बड़ा सा आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 7-inch म्यूजिक सिस्टम। और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारो पावर विंडो वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। सीट की कंडीशन आप देख सकते हैं, बीच में आपको ट्विन कप होल्डर, हैंडरेस्ट, ऐसी तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं भाई। तो ये है 2018 मॉडल i20। आइए जानते हैं आपने कितने रुपए लेकर आने इस कार को खरीदने के लिए, बताइए क्या प्राइस रखा है आपने? इसका प्राइस हम लोगों ने रखा है 5,99,000। 5,99,000 की फिक्स तो नहीं है भैया? थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं, आपके चैनल के माध्यम आएंगे बिल्कुल रेट कम। चलिए उसमें जरूर से भैया कुछ नेगोशिएशन कर देंगे। 5,99,000 मांगते हैं, ऑन टेबल नेगोशिएबल पॉसिबल है, और फाइनेंस फैसिलिटी। हाँ जी विद फाइनेंस फैसिलिटी, वही मैं कहने वाला था। तो i20 18 की दिखा दी, ग्रैंड i10 नियोस दिखा दी भाई। नेक्स्ट क्या है भैया अपने पास? नेक्स्ट है अपने पास टाटा की। टाटा की है, टाटा की सफारी स्टॉर्म। ठीक है, टाटा की सफारी स्टॉर्म आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। ये है पूरा ओवरव्यू, जाहिद भाई बता देंगे डिटेल, क्या डिटेल है भैया? ये होने वाली है 2018 की। ठीक है 2018 की डीजल। अच्छा डीजल तो ये आती ही है। हाँ जी बिल्कुल, ये चल चुकी है आप लोगों को 45,000। 45,000 चली हुई है 18 मॉडल जी 2018 की है, 45,000 चली हुई है। ओनरशिप फर्स्ट है? फर्स्ट ओनरशिप। फर्स्ट ओनरशिप पे आप देख रहे हैं सफारी स्टॉर्म,
और ये है इसका साइड प्रोफाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका भी साइड मिरर पे ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको शायद से जो इसका वेस आता है उसमें देखने को मिलता है। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो ये है इसका इंटीरियर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ऊपर में रूफ एसी देखने को मिलती है, साथ ही साथ आप सीट की भी कंडीशन चेक कर पा रहे होंगे, सीट कवर मैट एवरीथिंग इज डन। तो आपने बस गाड़ी को ले जाना है, फ्यूल अप करना है और गाड़ी का मजा लेना है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कीमत की। 18 मॉडल सफारी स्ट्रॉम, मैं आपको बता दूं रेयर है भाई, क्योंकि आपको 14, 15, 16 मॉडल तक मिलता है, 18 मॉडल बहुत कम है, रेयर से ही मिलता है। सही बात है, 18 बहुत रेयरली मिलता है। कीमत पे आते हैं हम लोग, इसकी कीमत होने वाली है 7,55,000। 7,55,000 ठीक है, 2.5 लाख दीजिए लोन करवा दूंगा बाकी सब। बहुत बढ़िया, 2.5 लाख रुपए दीजिए भैया कह रहे हैं, बाकी लोन करा देंगे। तो जिनको चाहिए सफारी स्ट्रॉम ऊंचा मॉडल चाहिए, उनको 14-15 मॉडल में इंटरेस्ट नहीं है, आ जाए वीआईपी मोटर्स में आप लोगों के लिए लगा हुआ है। भैया बड़ी कार की बात कर रहे हैं, दो अपने पास शेर है, दो अपने पास शेर है, बिहार की शान है। हाँ जी, तो आज हम लोग पहले आ जाते हैं 2018 की S2 पर। चलिए 2018 की S2 की करेंगे हम लोग पहले बात, जो कि अपना बिहार शरीफ का नंबर है। पूरी डिटेल हमें दे दें, गाड़ी होने वाली 2018 की, जो कि 44,000 चल चुकी है। अच्छा, विद सर्विस रिकॉर्ड 44,000 चली हुई है, 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर। हाँ जी, आप लुक दिखाइए फिर मैं। बिल्कुल, ये स्कॉर्पियो S2 है। तो जो भी भाई लोग कहते हैं कि भैया हमें ऐसी स्कॉर्पियो दिखाइए जिस पे हम लोग अपना घूम फिर भी सके और साथ ही साथ अपने भाड़े में भी चला ले, लगन में चला ले, ये प्रॉपर आप लोगों के लिए ही भाई ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। BR21 से अपना जो बिहार शरीफ का नंबर है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे टायर पे थोड़ी सी मिट्टी जमी हुई है, तो आपको मैं वो पास से भी दिखाऊं तो आपको नहीं समझ में आएगा। बाकी व्हील कैप मिल जाएगा, साइड प्रोफाइल आप पूरा देख सकते हैं, ऊपर में रूफ रेल, यहाँ रेन वाइजर, क्रोम, एवरीथिंग इज डन। फिर से अब हम लोग आते हैं इंटीरियर की बातचीत कर लेते हैं। तो ये है इसका इंटीरियर, जैसा कि आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पे सोनी का म्यूजिक सिस्टम आपको दिख रहा होगा, सीट की कंडीशन आप देख ले, बीच में ही आपको यहाँ पे मिलता है पावर विंडो का स्विच। इंटीरियर की बात हो गई, बाहर से हमने आपको दिखा दिया है, डिटेल आपको मिल गई है। आइए जानते हैं कितने रुपए आपको लेकर आने होंगे। 18 मॉडल भी आपने बताया, 18 मॉडल S2। हाँ जी, आप लोगों के लिए आई है आज 8,85,000 में। 8,85,000? बिल्कुल, 8,85,000 में S2, वो भी 18 मॉडल। 18 मॉडल भाई 8,85,000, आपको भी पता चल रहा होगा कि अच्छी रेट है, क्योंकि भाई मॉडल 18, 19, 20 की बात होती है तो 10 के ऊपर ही लोग लेकर जाते हैं रेट, लेकिन यहाँ पे 8,85,000 में मिल जाएगा, उसके अलावा फिनांस हो जाएगा, उसके अलावा आएंगे तो कुछ कम भी हो कुछ जाएगा, कुछ रेट भी हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। एक की बात हो गई भैया, अगली कौन से दिखाएंगे? अगली होने वाली हम लोगों की 2017 के लास्ट की बलेनो। 2017 के लास्ट की बलेनो आपको हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। हमने वादा किया था दो यहाँ पे आपको बलेनो दिखाएंगे, एक पेट्रोल एक डीजल। पेट्रोल दिखा दिया है, डेल्टा था, आते हैं हम लोग डीजल पे। डिटेल क्या है भाई ये बताया थोड़ा। 2017 की डीजल वेरियंट, अच्छा बलेनो, ये चल चुकी है आपको 31,000। 31,000 चली हुई है, 17 के लास्ट का जी, 17 के लास्ट की है। बिल्कुल, ये डीजल है, डीजल में कितना माइलेज आता है? डीजल में आपको जब भी निकालेंगे 20+ ही निकालेंगे, 20 के ऊपर की माइलेज वाली अगर चाहिए कार और सारे फीचर चाहिए, बलेनो का ऑप्शन आपके सामने है, जो कि वीआईपी मोटर्स में दिखा रहा हूँ, डीजल वेरिएंट, पटना नंबर है, आप देख सकते हैं। पहली वाली भी भाई व्हाइट कलर थी, ये भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी व्हाइट कलर है, इसमें आपको हाँ साइड मिरर पे इंडिकेटर इसमें भी आपको देखने को मिलती है। बात करें अगर इसके इंटीरियर की, चलिए देखते हैं भाई अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ये जो पैनल है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मारुति सुजुकी ने सब पे सेम रखा है, एयरबैग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अच्छी सीट आपको देखने को मिलती है विच इज़ सो कंफर्टेबल, बैक सपोर्ट, थाई सपोर्ट, सब कुछ बढ़िया मिलता है। तो इंटीरियर आपने देख लिया है, जिन भी भाइयों को बलेनो चाहिए थी, पेट्रोल नहीं डीजल चाहिए थी, डीजल है ये वाली। जानते हैं हम लोग कि 17 के आखिरी का अगर आपको बलेनो खरीदना है, डीजल में खरीदना है, कितने रेट में जाहिद भाई वीआईपी मोटर्स में अवेलेबल कर रहे हैं? ये गाड़ी आप लोगों के लिए होने वाली है 5,25,000 में, 5.25 लाख रुपए की, 5.25 में 2017 के लास्ट की बलेनो। बहुत बढ़िया, फिनांस भी कराएंगे, आने पे कुछ कम भी कर देंगे, रेट आपको जो भी है फिक्स नहीं है, तो आप निश्चिंत हो कहिएगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होगा, ज़्यादा नहीं होता है भाई। तो आपको दिखा दिया 17 के लास्ट का डीजल में, साथ ही में यहाँ पे खड़ी हुई है ऑल्टो K10, है ना भैया? जी, ऑल्टो K10। बिल्कुल, बता दे डिटेल थोड़ा। ये भी गाड़ी हम लोगों की 2017 की होने वाली है। अच्छा ठीक है, जो कि चल चुकी है 32,000। ये 32,000 चली है, 17 मॉडल। जी, 17 मॉडल मारुति ऑल्टो K10 जो 32,000 चल चुकी है। K10 में कौन सा है भैया? ये K10 VXi है। VXi है, ठीक है। ऑनरशिप फर्स्ट फर्स्ट ऑनरशिप फर्स्ट ऑनरशिप पे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की ऑल्टो K10 विच इज VXi।
आप देखेंगे एसेसरीज सारा कुछ लगा हुआ है, मैं यहीं से देख पा रहा हूँ। स्पॉइलर पीछे बैकलाइट पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, रेनवाइजर है, यहाँ पे जो एक बीट आती है भाई वो भी लगा हुआ है डोर के ऊपर में। इंटीरियर की हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं कैसी दिख रही है इंटीरियर। तो ये है इसका इंटीरियर भाई, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड आता है, बीच में आपको यहाँ पे दो स्विच मिल जाता है पावर विंडो के लिए। सीट की कंडीशन आप देख पा रहे होंगे भाई, तो अंदर से आपने तो गाड़ी को देख लिया है, बाहर से आपने देख ही लिया है, जो रह गई है भाई वो चीज़ है कि कितने रुपए की अवेलेबल है ये। 17 मॉडल आपने बताया भैया जी, 17 मॉडल। प्राइस बता दें आप थोड़ा। प्राइस होने वाली है आप लोगों के लिए 285,000। 285,000 लोन भी करा दीजिए, 2,00,000 का मैं लोन करवा दूँ। चलिए 85,000 भी अगर आप देंगे तो 17 मॉडल आपको ऑल्टो K10 मिलेगी यहाँ पे। रेस्ट अमाउंट विल गेट फिनांस, तो फिनांस पे आप खरीदना चाहते हैं गाड़ी तो आप देख सकते हैं। 17 मॉडल का कीमत बता दिया गया है, नंबर पे जिक्र नहीं किया था नंबर, ये भी अपना पटना नंबर है। अगली गाड़ी कौन सी होगी जाहिद? अगली गाड़ी हम लोगों ने S2 दिखाया, बगल में S10 लगी हुई थी, अब उसके डिटेल पे भी चलते हैं। चलिए भाई, तो अभी आपको S2 दिखाई थी हमने उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि भाई अपना घूम भी लें, भाड़े में भी चला लें। अब S10 मतलब शौक की बात होगी, जिनको शौक है कि हमें S10 चाहिए, ऊंचा चाहिए भाई, डिटेल दे दे थोड़ा। ये गाड़ी होने वाली है आप लोगों के लिए 2016 की, ठीक है। वैसे तो हम लोग 45 के ऊपर डील नहीं करते हैं किलोमीटर पे, लेकिन ये कि महिंद्रा की S10 है, ये आप 2,00,000, 2,50,000, 3,00,000 भी चलाइएगा तो इसमें कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो इसलिए आज आ चुकी है हमारे भी 2016 की S10 जो कि 48,000 चली हुई है। 48,000 चली हुई है, चलिए तो 3,000 ज्यादा वैसे। जी 3,000 ज्यादा, 48,000 चली हुई है 2016 की S10। 16 की है, ओनरशिप फर्स्ट ओनरशिप पे आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो S10 विच इज 2016 मॉडल। 45,000 तक की इनके पास गाड़ियाँ होती है भाई, ये 3,000 ज़्यादा 48,000 चली हुई है तो भैया ने बता दिया है। बाकी अलॉय व्हील आपको मिल जाता है, टायर की कंडीशन भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, साइड प्रोफाइल भी आप देख लीजिए भाई। तो ये है, जैसा आपको जिक्र अब दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, S10 इंटीरियर आपके सामने है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन आता है इसमें, सीट की कंडीशन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। तो अब हम लोग आते हैं भाई कि 16 मॉडल अगर आपने सोचा है कि हमें तो S10 ही लेनी है, कम पैसे में लेनी है, कीमत जानते हैं VIP मोटर्स में क्या रखा गया है, बता दे भैया कीमत क्या है? कीमत है 9,95,000। 9,95,000, चलिए तो स्कॉर्पियो S10 भी चाहिए तो 10,00,000 से कम, 10,00,000 से कम है। बिल्कुल, तो S10 लेना है, कम पैसे हैं तो 10,00,000 से भी कम में 9,95,000 में स्कॉर्पियो S10 खरीद सकते हैं। लोन की सेवा जारी है सारी गाड़ियों पर, सारी गाड़ियों पर बिल्कुल, जितनी भी गाड़ी लीजिएगा सब पर लोन करवा कर दूंगा। बहुत बढ़िया, जितनी भी गाड़ी आप देखे हैं ना आज की इस वीडियो में सब पे लोन अवेलेबल है भैया। कुछ गाड़ियां अंदर भी लगी हुई हैं, अंदर भी लगी हुई हैं, अंदर जाने से पहले हम लोग एक डस्टर है, डस्टर दिखा। चलिए ठीक है, तो एक डस्टर अपनी रह गई है भाई बाहर में जो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं आपको, डिटेल दे दे थोड़ा। ये गाड़ी 2015 की है, ठीक है, डीजल वेरियंट, फर्स्ट ओनर, डीजल फर्स्ट ओनर जी, ठीक है। गाड़ी चल चुकी है आपको 41,000 के आसपास, 41,000 चली हुई है, 15 का मॉडल है, फर्स्ट ओनरशिप पे है, डीजल है और ये टॉप मॉडल है भैया, टॉप मॉडल, बिल्कुल टॉप मॉडल है, क्योंकि आप देखेंगे हेडलाइट में ही आपको चेंजमेंट देखने को मिल जाता है, नीचे में फॉग लैंप मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं भाई ये है इसका साइड प्रोफाइल, टायर वगैरह की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अलॉय व्हील के साथ में आती है, 15 मॉडल रेनॉल्ट की डस्टर। जाहिद भाई क्या प्राइस मांगते हैं आप थोड़ा बताएं? 2015 की डस्टर 4,95,000। 4,95,000 ठीक है, तो आपको कॉम्पैक्ट SUV चाहिए भाई कम बजट में, 5,00,000 के अंदर 4,95,000 में रेनॉल्ट की डस्टर आपको अवेलेबल हो जाएगा, टॉप मॉडल है, एलॉय व्हील, एयरबैग सब कुछ आपको इसमें मिलती है। बाहर की गाड़ियां भी हमने दिखा दी है जी, कुछ गाड़ियां भाई अभी भी अंदर में लगी हुई है जिसको हम लोग अभी कवर करेंगे, तो चलिए सीधे वहीं मिलते हैं आपसे। तो अब हम लोग बात करेंगे आज की हमारी आखिरी गाड़ी, ब्लू कलर की डिज़ायर है, पूरी डिटेल मैं जानना चाहूँगा। जाहिद भाई कहाँ चले गए आप, इधर आइए बताइए डिटेल क्या है। 2018 की, हाँ जी, डिजायर VDI डीजल, ठीक है, जो कि चल चुकी है 28,000। 28,000 चली हुई है, 18 की डीजल है ये? जी डीजल है। थोड़ा सा हमें तो पता है, बहुत सारे भाइयों को भी पता है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा माइलेज क्या देती है डीजल? माइलेज ये आपको जब भी निकालेगी 22+ निकालेगी, 22 के ऊपर निकालेगा, तो 22 से ऊपर की माइलेज देती है तभी सड़कों पे आपको दिखती है ये गाड़ी, क्योंकि भाई मेंटेनेंस बहुत कम ढूंढती है, माइलेज आपको मिलता है बहुत ही बेहतरीन। फर्स्ट ओनरशिप पे आप देख रहे हैं 18 मॉडल डिजायर। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें ना तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हे इज द इंटीरियर ऑफ 2018 मॉडल मारुति सुजुकी डिजायर VDI, आप देख पा रहे होंगे पूरा आपको केविन का मैंने व्यू दे दिया है। तो लेट ना करते हुए आज की हमारी आखिरी गाड़ी का प्राइस जानते हैं भैया। मेरा भी एक स्लोगन रहता है, हैप्पी एंडिंग हो जाए, थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग हो जाए, तो इसके लिए हम लोग 18 मॉडल डिजायर डीजल 5,95,000 में, 5,95,000 में दे देंगे 18 मॉडल मारुति सुजुकी की डिजायर VDI। जिन भी भाइयों को इनमें से कोई सी भी कार लेनी हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा,
बस एक चीज रह गई है, थोड़ा सा बाहर चलते हैं भाई और एड्रेस समझा देते हैं, क्योंकि भाई न्यू डीलरशिप है, आपको पता है मैंने शायद यहाँ से 3 या 4 वीडियो बनाया है, तो एड्रेस वापस से हम लोग समझाएंगे एड्रेस किस तरह से वीआईपी मोटर्स। एड्रेस बहुत ही इजी है हमारा, पटना फुलवारी एम्स हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, औरंगाबाद वाले रोड में। हाँ जी, ये वाला ऑन रोड ही है। हाँ, ऑन रोड ही है, बिल्कुल। हाँ जी, ये जैसे जिस साइड से ये टैंकर आ रही है भाई, जो ट्रक आ रही है और जा रही है औरंगाबाद की ओर जा रही है, आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एम्स चौराहा से आपको आएंगे तो वीआईपी मोटर्स दिख जाएगा, जाहिद भाई आपको मिल जाएंगे। जाहिद भाई जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत अच्छे से मिल गया, थैंक यू सो मच। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करके जाइएगा, बाकी वीआईपी मोटर्स का और भी स्टॉक देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से कमाल की वीडियो हमारे चैनल पर आते रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नंबर डिस्प्ले पे ही है आप देख लेना भाई, नहीं तो कभी कभी आप फिर भी नंबर मांगते हो तो डिस्प्ले पे नीचे में नंबर दिया होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीलरशिप का नंबर है वो। थैंक यू सो मच।